Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your math teacher. Students, we were doing the chapter number 2, linear equations in one variable. And we have already completed first exercise of this chapter. And in the second exercise, we were on the question number 14. That is, Lakshmi is a cashier in a bank. That means Lakshmi jo hai, ek bank mein cashier hai. Okay, she has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? That means Lakshmi is a cashier, jo bank mein kaam karti hai, cashier hai bank mein. और उसके पास में कुछ नोट्स हैं. कितने रुपीस की नोट्स हैं? तो उसके पास में 100 रुपीस की नोट्स हैं, कुछ 50 रुपीस की नोट्स हैं और कुछ 10 रुपीस की नोट है उसके पास में. ओके, अब कितनी नोट्स हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन उसका रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3:5. ओके, मीन्स 2 पार्ट जो है वो 100 रुपीस के नोट का रेशियो रिप्रेजेंट करता है, 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 रुपीज की नोट्स को, और 5 जो है वो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स जो है उनको रिप्रेजेंट करता है. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख. टोटल कैश कितनी है उसके पास में? 4 लाख रुपीज. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव? सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट उसके पास में 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज के कितने नोट हैं और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? तो आप जो है सबसे पहले यहां पर एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स. ओके, 100 रुपीज की नोट्स कितनी है, तो 100 रुपीज का रेशियो जो है आपको दिया हुआ है दैट इज 2:3:5. तो 2 जो है वो 100 का रेशियो है, दैट मीन्स आप जो है उसको क्या सपोज कर लेंगे, 2x. Then the number of 50 rupees notes will be 3x. Then the number of 10 rupees notes is 5x. Okay. That means 100 रुपीज की 2x नोट्स हैं, 50 रुपीज की 3x नोट्स हैं और 10 रुपीज की 5x हैं. That means ये जो है वो नंबर ऑफ नोट रिप्रेजेंट करता है. अब मुझे अमाउंट फाइंड करना है कि 100 रुपीज की टोटल कितना है. देखिए, सपोज कीजिए, एग्जांपल आप ले लेते हैं कि आपके पास में 100 रुपीज की 5 नोट्स हैं. सपोज यू हैव 5 नोट्स ऑफ रुपीज 100, that means कितना अमाउंट आपके पास में है, आपके पास में 500 रुपीज है. Then आपके पास में 50 रुपीज की जो है वो मान लीजिए 3 नोट्स है, that means 150 जो है आपके पास में अमाउंट है. तो यहां पर जो नंबर ऑफ नोट्स है उनका मल्टीप्लाई आप 100, 50 और 10 में करेंगे और टोटल जो है इनका वो कितना आना चाहिए, आपका 4 लाख आना चाहिए. समझिएगा कि 100 रुपीज की 2x नोट्स है प्लस 50 रुपीज की हाउ मेनी नोट्स आ गया, 3x नोट्स, एंड 10 रुपीज की कितने नोट्स हैं, तो 5x. ये 100 रुपीज की नोट्स, ये 50 रुपीज की नोट्स और ये 10 रुपीज की नोट्स, इनका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना है वो हमको मिल जाएगा. टोटल अमाउंट इज 4 लाख हियर. Now multiply them, you will get 200x plus 150x plus 50x
4 है। अब आप इनका ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400x इज इक्वल्स टू 4 लैख। 400x इज इक्वल्स टू 4 लैख आपका है, तो ये 400 जो है अगर आपका डिवाइड में चला जाएगा, बिकॉज यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप जो है क्या करेंगे, यहां पर 4 लैख डिवाइडेड बाय 400 जब करेंगे तो आप इसमें डिवाइड कीजिए 4 लैख में, तो आप देख सकते हैं 20 से 20 कैंसिल होता है और 4000 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 1000। ओके, बट हमको एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, सो हमने जो है एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है यहां पर, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, मींस उसके पास 100 रुपीज की कितने नोट्स थी, 50 की कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज की कितने नोट्स हैं, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, सो यू हैव टू राइट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने होंगे, 100 रुपीज की नोट्स, देखो हमने उसको क्या सपोज किया था, 2x जो है हमने एज्यूम किया था, सो यू हैव टू राइट 2x एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 1000। ओके, सो कितने नोट्स होंगे उसके पास, सो 100 रुपीज की 2000 नोट्स जो है वो लक्ष्मी के पास में है, देन नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स जिसको हमने क्या एज्यूम किया था, उसका रेशियो दिया हुआ है यहां पर 3 और हमने जो है उसे 3x एज्यूम किया। ओके, देन द वैल्यू ऑफ x वाज 1000, सो 50 रुपीज की कितने नोट्स हो गई, 3000 नोट्स जो है वो 50 रुपीज की हो गई। ओके, देन नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स जिसको हमने क्या एज्यूम किया था, 5x एज्यूम किया था, तो 5 मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, दैट मीन्स 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 5000। यहां पर एक चीज आपको समझना है कि ये नंबर ऑफ नोट्स दी हुई है, अमाउंट नहीं है, अमाउंट फाइंड करना है अगर आपको कि 100 रुपीज का टोटल कितना अमाउंट है, तो देखो 100 रुपीज उसके पास में 2000 नोट्स है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा। ओके, मींस 100 रुपीज की उसके पास में टोटल कितना अमाउंट है, 2 लाख अमाउंट है, बट यहां पर क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, मींस उसके पास कितने नोट्स है, तो उसके पास में 2000 नोट्स जो है 100 रुपीज की है, 3000 नोट्स जो है वो 50 रुपीज की है और 5000 नोट्स जो है वो 10 रुपीज की। ओके स्टूडेंट, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। सपोज कीजिए कि मेरे पास में कुछ जो है कॉइन है, 1 रुपीज की कॉइन है, 2 रुपीज के और 5 रुपीज की कॉइन्स है और टोटल अमाउंट जो है सब मिलाकर के कितना है, 300 रुपीज है। ओके, देन द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, मीन्स 5 रुपीज के जितने कॉइन है मेरे पास में उसका 3 टाइम्स मेरे पास में 2 रुपीज के कॉइन, जितने भी मेरे पास में, सपोज कीजिए कि मेरे पास में 5 रुपीज के 10 कॉइन है, तो मेरे पास में 2 रुपीज से कितने कॉइन होंगे, उसका 3 टाइम्स होंगे, मतलब 10 30 कॉइन्स मेरे पास जो है 2 रुपीज के होंगे, जो भी 5 रुपीज के कॉइन्स होंगे उसका 3 टाइम्स 2 रुपीज के कॉइन्स होंगे। देन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, मींस टोटल कॉइन कितने हैं मेरे पास में, 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मींस टोटल जो है कितने कॉइन मेरे पास में है वो बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने कॉइन्स के बारे में कुछ बोला गया है आपको,
कि 2 रुपीज के कॉइन्स जो है वो 5 रुपीज के कॉइन्स का क्या है 3 टाइम्स है, बट 1 रुपीज के कॉइन्स के बारे में कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 1 रुपीज के कॉइन्स कितने होंगे। तो जब आपको 2 रुपीज के कॉइन्स पता चल जाएंगे, 5 के कॉइन्स पता चल जाएंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग कॉइन्स होंगे वो किसके होंगे, 1 रुपीज के होंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो आपके कितने हैं, 160 है, ये ध्यान रखना। ओके, तो आप सपोज कर लेते हैं यहां पर लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स एक्स, मीन्स 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं आपके पास में, एक्स कॉइन्स हैं, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। नाउ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस एक्स, मीन्स इन्होंने आपको क्या बोला था कि 5 रुपीज के जितने भी कॉइन होंगे उसका 3 टाइम्स 2 रुपीज के कॉइन्स होंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3x। अब ये 1x और ये 3x दोनों मिलाकर कितना हो गया, 4x हो गया। टोटल कॉइन्स हमारे पास होने चाहिए 160, जिसमें से 4x तो जो है 5 रुपीज के और 2 रुपीज के कॉइन्स है, तो बाकी जो रिमेनिंग कॉइन बच गए हैं वो किसके होंगे, 1 रुपीज। द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स विल बी 160 माइनस 4x। 160 माइनस 4x क्यों किया मैंने, बिकॉज 4x जो है ये 1x + 3x 4x है, और टोटल कॉइन 160 है, तो जिसमें से मैंने 4x माइनस करके 1 रुपीज के कॉइन फाइंड कर लिए। नाउ वी हैव गिवन द टोटल अमाउंट दैट इज ₹300। ओके, तो 5 रुपीज के x कॉइन्स हैं, मींस 5 रुपीज की अमाउंट कितनी होगी आपकी, 5 × x मतलब 5x। ओके, प्लस 2 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं, तो जो है 2 रुपीज की कितनी अमाउंट होगी, मींस 2 × 3x। देन 1 रुपीज के 160 माइनस 4x कॉइन्स है, तो 1 रुपीज की अमाउंट क्या होगी, 160 माइनस 4x, और जब ये जो 3 है इनका टोटल जो है आपका, दैट शुड बी 300। ओके, तो चलिए टोटल करते हैं, इनको सोल्व करते हैं आगे। 5x + 3 × 6x, और 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा आंसर में, 160 माइनस 4x = 300। Now this 5x and 6x will be 11x because दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, एंड ये 160 जो है ये प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसको आप इक्वल्स टू के राइट साइड में लेकर जाइए, वहां पर किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा ओनली -4x = 300 - 160। Now we have 11x - 4x, that will be 7x is equals to 300 - 160। तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन इसका, 140 जो है इसका आंसर आएगा। नाउ वी हैव 7 इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स, मीन्स एक्स के मल्टीप्लिकेशन में 7 है, अब 7 को आप राइट साइड में लेकर जाएंगे तो वो कहां जाएगा, तो डिवीजन में जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स आप इसका डिवाइड करेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा, 20 आएगा। 20 जो है वो एक्स की वैल्यू आई है, बट वी हैव टू फाइंड द हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मीन्स मेरे पास में 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, वो मुझे फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी 20 आ गई है। नाउ वी हैव टू राइट दैट नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, तो 1 रुपीज से कितने कॉइन्स हमने सपोज किए थे, तो वी हैव सपोज दैट 160 माइनस 4x, सो 160 माइनस 4, द वैल्यू ऑफ एक्स वॉज 20, सो वी विल राइट दैट इन प्लेस ऑफ एक्स, सो 160 माइनस 20 × 4 विल बी 80, और 160 में से आप 80 माइनस करेंगे देन आपका आएगा 80। ये रुपीज नहीं है, ये है नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड
नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे? तो 2 रुपीज के कॉइन्स को हमने सपोज किया था 3x, तो 3 × 20 दैट मीन 60 कॉइन्स जो है वो किसके होंगे? 2 रुपीज के कॉइन्स होंगे। एंड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स जिसको हमने x सपोज किया था एंड द वैल्यू ऑफ x वाज 20, दैट मीन्स 5 रुपीज के 20 कॉइन्स होंगे। ओके स्टूडेंट, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज 100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज 25। दैट मीन्स एक ऐसे कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइजर है, उसने डिसाइड किया है कि जो विनर स्टूडेंट होंगे उनको 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा और वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन में जीत नहीं पाते हैं उनको 25 रुपीज जो है प्राइज में मिलेगा। ओके, टोटल प्राइज मनी जो है वो 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। मीन्स टोटल पार्टिसिपेंट जो है वो 63 है, उसमें हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स, कितने जो है विनर स्टूडेंट्स है वो फाइंड करना है। और उसके लिए आपको सपोज करना होगा लेट द नंबर ऑफ विनर्स, उसको हम एक्स जो है सपोज कर लेते हैं, एक्स जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं। ओके, एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who does not win, वो कितने होंगे? तो भाई टोटल स्टूडेंट जो है वो आपके 63 है, उसमें से विनर जो है वो x है, तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए हैं वो विनर्स नहीं होंगे। दैट मीन 63 - x, तो जो विनर स्टूडेंट्स हैं इनको मिल रहा है प्राइज में 100 रुपीज। दैट मीन 100 × x इतना अमाउंट जो है वो विनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस जो विनर स्टूडेंट्स नहीं है दैट मीन 63 - x, इन स्टूडेंट्स को 25 रुपीज जो है एज ए प्राइस दिया जाएगा। तो इतना अमाउंट जो है वो उन स्टूडेंट उन पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा जो विनर नहीं है। टोटल अमाउंट जो है वो 3000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहां पर। ओके, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 100 × x, दैट विल बी 100 x, देन 25 × 63 will be 1575, and 25 × x will be 25x is equals to 3000. अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, ये जो 1575 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है जिसको आप राइट साइड में ले जाएंगे इक्वल्स टू 3, और वहां ये हो जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स 3000 - 1575। यहां पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा रिमेनिंग? तो 100x - 25x, 100x - 25x विल बी 75x, एंड इसमें से 3000 में से 1575 आप माइनस करेंगे तो आपका रिमेनिंग आंसर होगा 1425। Now you have to divide this number by 75 because 75 जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, so x is equals to 1425 divided by 75। Okay friend, then आप जो है क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, जिससे होगा कटिंग आप इसको करेंगे, तो आप 5 से कट कर सकते हैं, it will be 15। आप इसको 5 से कट करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। 15 का डिवाइड आप 285 पे दीजिए, तो 15 का डिवाइड जब आप 285 में करेंगे देन इट विल बी 15 × 1 = 15, 15 × 9 = 135। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है? 19 आपके आ गई है। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स इज 19 here. नाउ
हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ विनर्स, जो क्या था एक्स था, तो यही आपका जो है क्या होगा नंबर ऑफ विनर्स होगा। सो यू हैव टू राइट नंबर ऑफ विनर्स विल बी 19।